और लालू यादव पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, लालू की सुरक्षा में लगे 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लालू यादव का भी हो सकता है कोरोना टेस्ट। पहले भी लालू के संपर्क में रहने वाले जो सेवक और सुरक्षाकर्मी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो लालू यादव पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कोरोना टेस्ट लालू यादव के भी कराए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में लालू यादव के जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं और एक सेवक भी है उसमें जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो लगातार झारखंड में कोरोना का कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। के बाद एक आम और खास हर कोई इसके चपेट में आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा है कि कई विधायक इसके चपेट में आ चुके हैं, कई पुलिसकर्मी इसके चपेट में आ चुके हैं और अब लालू यादव पर भी लोग कोरोना का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनके पास सीधा चलते हैं। सत्यव्रत, हर आम या खास हर कोई इसके चपेट में आ चुका है, लेकिन बात अब लालू यादव की करें तो लालू यादव इससे पहले भी खतरा मंडरा रहा था और अब भी उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है कोरोना के संक्रमण का। देखिए, बिल्कुल सही कहा अमिता आपने कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लगातार जो कोरोना का जो खतरा है वो उन पे मंडरा रहा है और यही कारण है कि मेरे पीछे जो रिम्स का केली बंगला है जहां रिम्स निदेशक के रहने की सुविधा है, यानी कि रिम्स प्रबंधन के तरफ से जो रिम्स के निदेशक होते हैं उनके रहने के लिए रिम्स परिसर में ही एक बंगलो है। जो बंगला पिछले कई दिनों से खाली पड़ा था और लालू प्रसाद यादव रिम्स के जिस पेइंग वार्ड में इलाज करा रहे थे, जिस पेइंग वार्ड में पिछले कई साल से लालू प्रसाद यादव भर्ती थे, वहाँ चूंकि संक्रमण का खतरा था, चूंकि उस पेइंग वार्ड को कोविड वार्ड के रूप में डेवलप कर दिया गया था और लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे उसे रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा जा रहा था और संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पर मंडराता हुआ दिख रहा था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक का के आवास में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किलें हैं वो शायद कम होने का नाम नहीं ले रही है अमिता, क्योंकि इससे पहले भी अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। लालू प्रसाद यादव के 3 सेवक थे जो कि कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे और कल देर रात की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा में तैनात रिम्स के इसी केली बंगले में अपना ड्यूटी दे रहे 9 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एक बार फिर लालू प्रसाद यादव पर जो है वो खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कोरोना टेस्ट उनके अभी तक नहीं हुए हैं क्या? इन सबके बीच जो उनके सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अब लालू यादव का भी टेस्ट होगा? देखिए, इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव के 3 सेवक कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे तो चूंकि लालू प्रसाद यादव का भी कांटेक्ट हिस्ट्री था, चूंकि जो सेवादार थे उनके संपर्क में लगातार लालू प्रसाद यादव थे और उसके बाद उनका भी कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर कोरोना सैंपल की जांच की गई थी जो कि निगेटिव आया था। लेकिन कल जिस तरह से 9 सुरक्षाकर्मी जो कि लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा में तैनात थे कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, हो सकता है लालू प्रसाद यादव का भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाए और हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव के कोरोना के सैंपल की फिर से जांच की जाएगी। फिलहाल जो लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे हैं मेडिसिन विभाग के डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि फिलहाल 2-3 दिनों तक का जो समय है वो दिया जाएगा लालू प्रसाद यादव को और अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव में किसी भी तरह की कोई सिम्टम लक्षण अगर होता है तो फिर लालू प्रसाद यादव के भी कोरोना के सैंपल की जाँच की जाएगी और इस बात को जानने की कोशिश की जाएगी कि संक्रमित सुरक्षाकर्मी या फिर के संपर्क में रहने के कारण कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव में भी तो संक्रमण नहीं फैला है। अमिता, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सत्यव्रत आपका। तो लालू यादव पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में दूसरी बार भी हो सकता है कि उनके सैंपल लिए जाए, टेस्ट कराया जा सकता है, उनका भी कोरोना टेस्ट हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उनके 9 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में लालू यादव पर भी कोरोना का खतरा